हैं साथियों, मैं संजीव वैद्य आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि दुनिया में हथियारों का आयात में हिंदुस्तान इस वक्त अव्वल स्थान पर है। अब समझ में नहीं आ रहा ये खुशी की खबर है कि चिंता की खबर है, लेकिन इस संदर्भ में दैनिक भास्कर ने 14 मार्च को अपने संपादकीय में एक बहुत अच्छा लेख प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक है हथियारों के आयात में अव्वल रहना भी चिंता का कारण है। इस संपादकीय में कहा गया है, दुनिया के हथियारों का सर्वाधिक 12% हिस्सा आयात करके भारत का पहले स्थान पर आना आश्वस्त भी करता है और चिंता भी बढ़ाता है। आश्वस्त इसलिए करता है क्योंकि भारतीय सेना के पास आधुनिक हथियारों और गोला बारूद की कमी की शिकायत उस समय जोरदार तरीके से की गई थी जब मौजूदा रक्षा मंत्री ने अपना कार्यभार संभाला। तब सरकार पर दबाव था कि वह रक्षा सौदों की पारदर्शिता के लिए देश की सुरक्षा के साथ समझौता ना करे। इसलिए अगर भारत ने अपनी सुरक्षा आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वर्ष 2013 से वर्ष 2017 के बीच वैश्विक शस्त्र आयात में 12% भागीदारी की है और पिछले 10 सालों में इस मोर्चे पर 24% वृद्धि भी दर्ज की है, तो इससे यह साबित होता है कि एक राष्ट्र के रूप में हम कितने चौकस हैं। हालांकि इससे यह भी साबित होता है कि हमारा पड़ोस हमें असुरक्षित करता है और तनाव देने के साथ हथियारों की होड़ पर मजबूर करता है। जाहिर सी बात है कि जिस देश में चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हों, वह निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकता। विडंबना यह है कि इस दौरान चीन और पाकिस्तान के हथियार आयात में क्रमशः 19% और 36% की गिरावट आई है। चीन तो अपने हथियार स्वयं बना रहा है और वह पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार को निर्यात भी कर रहा है, जबकि मेक इन इंडिया के तमाम दावों के बावजूद भारत अभी भी हथियारों का उत्पादन शुरू नहीं कर पाया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी आंकड़े उन आलोचकों का भी मुंह बंद करते हैं जो रूस से बढ़ती दूरी और अमेरिका से नज़दीकी को मुद्दा बनाते हैं। आज भी भारत का 62% शस्त्र आयात रूस से ही होता है, भले ही पिछले 5 वर्षों में अमेरिका से हथियारों का आयात बढ़कर 15% तक आया है। आंकड़े दर्शाते हैं कि किस तरह एशिया और अफ्रीका के देश हथियार खरीद रहे हैं और अमेरिका और यूरोप के देश उन्हें बनाने बेचने में लगे हैं। वे अपनी शांति और समृद्धि के लिए इधर अशांति निर्यात कर रहे हैं। अब चीन भी वही भूमिका अख्तियार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने शपथ लेने के बाद केरल की एक रैली में भारत पाकिस्तान में हथियारों की होड़ कम करने और गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर धन व्यय करने का आह्वान किया था। विडंबना यह है कि इस आह्वान को सुनने वाला कोई नहीं। यह जो एडिटोरियल था दैनिक भास्कर का, इसमें हथियारों के बढ़ती हुई आयात हिस्सेदारी पर चिंता व्यक्त की गई है, लेकिन मेरी राय यह है कि देश के लिए पहले सुरक्षा, उसके बाद सब कुछ, क्योंकि जाहिर से तौर पर हमारे कुछ स्थायी शत्रु पड़ोसी राष्ट्र हैं जिनके संबंध हमारे साथ सदैव तनावपूर्ण बने रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें अपनी सुरक्षा जरूरतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यह एक बेहतरीन एडिटोरियल था। आगे भी और अन्य अखबारों के संपादकियों के संबंध में आपसे मैं चर्चा करूंगा। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।